भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होते ये 8 पत्ते, इस सावन जरूर करें अर्पित। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी इस सावन अगर आप ये 8 पत्तों का इस्तेमाल करते हैं उनको पूजा करने में। पहला है बेलपत्र। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करके उन्हें बहुत जल्दी ही प्रसन्न किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र भगवान शिव के तीनों नेत्रों का प्रतीक माना गया है। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ बेलपत्र चढ़ाने से सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य और शांति मिलती है। अगला है भांग के पौधे का पत्ता। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को अपने गले में धारण कर नीलकंठ कहलाए। ऐसे में सावन में भगवान शिव को भांग के पौधे का पत्ता जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से हमारे मन के विकार और बुराइयां दूर होती हैं। अगला है शमी का पत्र। भगवान शिव को शमी के पत्र भी प्रिय होते हैं। ऐसे में सावन शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद शमी के पत्र चढ़ाएं। ऐसा करने से भोलेनाथ के साथ साथ शनिदेव की कृपा भी बनी रहती है। अगला है दुर्वा। धार्मिक मान्यता के अनुसार दुर्वा में अमृत का अंश होता है। भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी को दुर्वा बेहद प्रिय है। भगवान शिव को दुर्वा अर्पित करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। अगला है धतूरे का पत्ता। शिव पुराण के अनुसार शिव जी को धतूरा बहुत प्रिय है। ये पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्त के सभी बुरे विचार नष्ट होते हैं और सोच सकारात्मक बनती है। अगला है पीपल के पत्ते। शास्त्रों के अनुसार पीपल में त्रिदेवों का वास होता है। पीपल के पत्तों पर भगवान शिव का वास है। भगवान शिव को पीपल के पत्ते अर्पित करने से ग्रहों के दोष दूर होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। अगला है आग का पत्ता। आग के फूल और पत्ता दोनों ही शिव जी को बेहद प्रिय है। मान्यता है कि जो भक्त भगवान शिव को आग के पुष्प और पत्ते अर्पित करते हैं भगवान शिव उसके दैहिक दैविक और भौतिक सभी तरह के कष्ट हर लेते हैं। अगला है आम के पत्ते। जीवन में सुख सौभाग्य के लिए भगवान शिव को आम के पत्ते अर्पित करें। शिवलिंग पर आम के पत्ते अर्पित करने पर भगवान शिव अपने भक्तों का दुर्भाग्य दूर करते हैं, साथ ही धन लाभ की संभावना बनती है।